I thought I had it figured out. Believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see. The way we were, living in a fantasy. When I kiss her. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार मैं थोड़ा सा स्मार्ट नहीं लगने लग गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। आपको लग रहा है या ना तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है भाई मैं स्मार्ट हो गया हूँ, है ना। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अपना आज 200 व्लॉग्स पूरे हो चुके हैं, और भाई क्या बताऊँ मैं, कुछ कहने लायक नहीं हूँ फिलहाल तो। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई अभी शाम की ट्रेनिंग पर, और आज अपने प्लान कुछ ये है, 10 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग करनी है। बट अगर व्लॉग के लिए बीच में बोलना पड़ गया ना मेरे को, तो मेरे को 2-3 सेकंड के लिए रुकना पड़ जाएगा। जितनी देर बोलूँगा उतनी सेकंड के लिए रुकना पड़ जाएगा। बाकी आज कोई कैमरामैन भी नहीं भाई, अकेला जा रहा हूँ। तो चलो जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। ये है ना कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा, देख लो अभी इसके अगर होठ पे देख रहे हो तो अभी भी झाग आ रहे हैं। मतलब एक कुत्ता आया था अभी गली में, और भाई पागल हो गया उसके पीछे भौंकता हुआ, पागल हो गया कति इसका। भाई क्या कहूँ मैं, अब कुछ कह ही नहीं रहा मैं। चलो चल रहे अब, ठीक है। जैसे है ना डेट पास आती जा रही है गेम की, वैसे वैसे ना हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही है। मतलब भाई क्या होगा, कैसे होगा, और कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अपनी तो भाई अपनी तरफ तो 100% कर रहे हैं, बाकी अब जो भी डिसीजन होगा भगवान भरोसे है। भाई मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं अपने ट्रैक पर पहुंच चुका हूं, और यहां से स्टार्ट करने वाला हूं मैं अपनी रनिंग। यहां से अप एंड डाउन होगी करीब करीब 6.5-7 किलोमीटर के अप्रोक्स होगी। उसके बाद एक राउंड और मारना है, जिससे हो जाएगी भाई अपनी 10 किलोमीटर कंप्लीट। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी भसड़ के, ठीक है। चलो अपनी 6.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हालत देख सकते हो स्वेटिंग की, क्या हालत हो रही है। और मैं रुकने नहीं वाला था अभी, पर यहाँ पे है ना, या तो BSF वालों ने, या फिर पीछे के ना छोटी सी डेयरी है जो कि ऐसे ही इस पर सरकारी ज़मीन पे खोल रखी है किसी गांव वाले ने, तो उसने यार बहुत ज़्यादा धुआं कर रखा है, यहाँ पे सांस नहीं आ रही थी। बाकी यहाँ बच्चों का फोटो शूट चल रहा है, काफ़ी अच्छी खुली जगह है। और भाई अब अपने 3.5 किलोमीटर रह गया है, और अभी तक का टाइम बताऊँ भाई तो करीब करीब 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया हमने। तो होप तो यही रहेगा वो 3.5 किलोमीटर भी हम 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करें, क्यों अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना तो स्पीड मंदी होती जाती है, थक गए हैं क्योंकि काफ़ी अब। तो चलो जल्दी से चलते हैं और जो 3.5 किलोमीटर रह रही है उसको भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलो भाई देख लो, ये हम उठा कर जा रहे धूल ने, यहाँ पर पीछे रेत तो थोड़ा धूलम धाल कर दिया, अब सांस लेने में और दिक्कत हो रही है। I don't know how we going, I'll be
जी भाइयों, तो अपनी 10 किलोमीटर होते हैं यहाँ पे ख़त्म। और भाई हालत पूछो मत, बस पटे पड़े हैं। अभी यहाँ से गाड़ी तक पहुँचने के लिए मेरे को 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। उसमें आई थिंक सो मैं रनिंग दोबारा चालू कर दूँ, मेरे को नहीं पता, बट 10 किलोमीटर भाई मेरी ख़त्म हो चुकी है अब। और करीब करीब 58 मिनट के अराउंड मारिए भाई, काफ़ी अच्छा टाइम आया है। पहले हमने सेम ही 57 मिनट में मारी थी जब पार्टनर भी थे और थोड़ा सा तब तो बच्चे थे यार। पर हाँ, अब अभी की बताऊँ तो मैं, अगर मेरे पास सही पार्टनर होता है तो मैं इसको 50 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। जैसा मेरी कैपेसिटी अभी तो यार काफ़ी मंदे थे और कोई पार्टनर भी नहीं था तो अकेले अकेले चल रहे थे भाई। बाकी चलो पहले गाड़ी में पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है भाई। पहले तो यहाँ के ना बैकग्राउंड वॉइस सुन लो आप, मतलब दिल को कति शांत कर देने वाले आप बैकग्राउंड वॉइस। हाँ जी भाई, तो अपना भाई टोटली अब रेस्ट पे आ चुके हैं, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई है अब। और भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो? बाकी है ना, मैं फिलहाल एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे अभी मेरे आसपास के बंदे हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिनको भूत दिखा था। मेरे को बंदे का नाम नहीं पता कि बंदा है कौन वो, बट उन्होंने क्या ना वीडियो बनाई थी जिनको रात को ही आए थे, शायद मेरे दोस्त ही बता रहे थे, मैंने वीडियो नहीं देखी कि भाई कौन है क्या है। ज़रूर देखूंगा और इसके ऊपर भाई पूरा रिएक्शन देखूंगा और यहाँ पे है ना रिकॉर्ड करूंगा। अभी देखो रात के 8 बजने वाले हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर में 8 बज जाएंगे। और बिल्कुल देख लो, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना आपको, पीछे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, अकेला बैठा हूँ मैं यहाँ पे। जानवर का भी डर है भाई यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ पे तेंदुआ वगैरह रहते हैं हमारे पे, ठीक है, अरावली हिल्स है यहाँ पे रहते हैं, तो मैं अकेला बैठा हूँ बिल्कुल, कोई नहीं है यहाँ पे। और भाई ना तो मेरे को इतना सा 1% डर लग रहा है कि भाई कोई जानवर आ जाएगा या फिर भूत है वगैरह इन चीज़ों के लिए। बाकी इस चीज़ के लिए है ना, उन्होंने जिस टाइप की वीडियो बनाई है उसका एक रिएक्शन बनता है। पहले मैं वीडियो देखूंगा भाई वो, और उसके बाद बनाऊंगा इस वीडियो को, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्रेनिंग व्लॉग में। अभी तो भाई 10-5 दिन ट्रेनिंग व्लॉग ही चलने दो, उसके बाद भाई अभी खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन भी आ रहा है तो एक मन कर रहा है कि भाई खाटू श्याम जी चलें। वैसे प्लान था कल रात को निकलने का, बट मैं ध्यान से ही उतर गया कि भाई खाटू श्याम जी जाना है, क्योंकि भाई ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। चलो फिर जल्दी चलते हैं खाटू श्याम बाबा पर भी, और यहाँ का व्लॉग जरूर दूंगा भाई मैं रात का, ठीक है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, सी यू सून टुमारो एट 1 PM। ओके, जय श्री राम।